हाय गाइस, वेलकम टू ग्यूटेक। भाई कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो आरबी एएलपी 2024 का वैकेंसी अनाउंस हो चुका है। 19 तारीख को इसकी डेट आई हुई थी, आज हो रही है 25 तारीख, 6 दिन का डिले है। कारण ये है कि भाई कई सारी बातें हो रही हैं, आपने देखा भी है, और थोड़ा सा बिजी भी था मैं अलग बैचेज में। एसएसबी वाला बैच था उसके लिए बिजी था मैं, आरबी जी जीडीसी बैच चल रहा है उसमें बिजी था मैं थोड़ा सा, और अभी जीडीसी एएलपी का भी बैच चल रहा है। अभी आपका डिपार्टमेंट वैकेंसी आप कह रहे उसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो कई बच्चों का लगातार मैसेज आ रहा है कि सर इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए कम से कम वीडियो तो बना दीजिए। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप निश्चिंत रहिए, आपके साथ मैं हमेशा लगा हूँ। और आरआरबी तो हमारा एक कहते हैं ना ड्रीम, ये वैकेंसी है जो हम लोग बहुत दिन से वेट कर रहे थे, और मैंने आपसे कहा भी था कि चुनाव से एक दिन पहले आपका आएगा, ठीक है, और वही आपको मिला। चलिए बात करते हैं इस वीडियो में क्या क्या होने वाला है। उससे पहले हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि भैया आपका जो ट्वीट हो रहा है इसको और करते रहिए, ट्रेंडिंग चल रहा है भाई साहब। 25 तारीख आपकी है और जबरदस्त ट्रेंडिंग चल रहा है, तो इसलिए इंक्रीज रेलवे एएलपी वैकेंसी, इसको आप ट्रेंड जितना करेंगे उतना अच्छा रहेगा। ट्रेंड के साथ पढ़ाई भी करते रहिए, क्योंकि देखिए जो वैकेंसी उन्होंने दी हुई है 5000 वो तो आपकी रहेगी रहेगी, लेकिन 5000 से ऊपर जो बढ़ेगी वो तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट रहेगा। लेकिन ऐसा ना हो कि आप पढ़ाई, क्योंकि हर एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेज वन की तैयारी अच्छे से रखिए और साथ में ट्वीट भी करते रहिए, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए ग्रेट। तो इसलिए ये जरूरी है और वैकेंसी बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी। इसलिए ये हर बार होता आया है, 18 में ऐसे हुआ था, उससे पहले भी ऐसे हुआ था, 12 में, 14 में, 16 में ऐसे ही हुआ था, तो इस बार भी आपका ऐसा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, हमको सोना नहीं है, हमको करना जरूर है चाहे कुछ भी हो जाए। आइए बात करते हैं कि भाई सिलेबस क्या होने वाला है इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वालों का, रेडियो वालों का, जो भी फॉर्म फिल करने वाले हैं इस ब्रांच से, क्योंकि इस ब्रांच का काफ़ी ज़्यादा आप देखते ही हैं कि क्या माहौल रहा है इस चीज़ का। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको पता ही है, आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक सभी फिल करते हैं। जिसका सिर्फ आईटीआई है वो भी कर सकता है, जिसका सिर्फ डिप्लोमा है वो भी कर सकता है, जिसका सिर्फ बीटेक है वो भी कर सकता है। कई बच्चे कन्फ्यूज हैं, इसलिए वीडियो बनाना बहुत जरूरी होता है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स का स्पेशली, कि बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी एलिजिबल हैं। तो जितना हो सके इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कि जब आपका काफ़ी टाइम निकल जाता है ना, क्योंकि रीच नहीं पहुंचती है, तो क्या होता है कि बाद में बच्चे जो मिलते हैं वो कहते हैं कि सर काफ़ी अफसोस हुआ कि आपका लेट वीडियो मिला, तो हमको बहुत चीज़ नहीं मिल पाई। तो इसलिए जितना हो सके, आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि भैया आप लोग जितना हो सके मैसेज से कीजिएगा। एक बात और है, आप लोगों में डाउट आ रहा होगा ना कि सर टीवी आपने दिखाया था और टीवी में क्लास नहीं हो रही है। टीवी में क्लास होगी, अभी उसका सेटअप चल रहा है, जानते हैं इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, टेक्निकल चीज़ें हैं, हम लोग उसमें अनजान हैं, हम टीचर हैं, पढ़ाते बस हैं। आपका क्लास पूरा यूट्यूब पे बहुत अच्छे से, मैंने आपसे कहा था ना, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आरआरबी वैकेंसी आते ही मैं बोर्ड लगवा लूंगा, और मैंने इसलिए बोर्ड लगवा लिया है, ठीक है। आपने देखा भी था वीडियो उस चीज़ को। पैटर्न कैसा होने वाला है, कैसे आपको तैयारी करनी है, तैयारी कैसे करनी है, आपका यूट्यूब माध्यम से तैयारी कैसे कर सकते हैं आप, और आप पेड कोर्स लेकर कैसे तैयारी कर सकते हैं आप, दोनों बातें होंगी, ठीक है। दोनों तरीके से बात करेंगे अपन लोग, आइए बात करते हैं आगे। सो ये वैकेंसी आपकी है, वैकेंसी आपकी जो है 5600, ये कुछ ऐसा हो जाए 56960 हो जाए, मज़ा आ जाए ना, कितना अच्छा रहेगा। चलिए कोई नहीं, देखते हैं, ट्राई करते हैं, और करते रहिए, हो जाएगा पक्का, 100% हो जाएगा, नो वरी। यहाँ पे इन्होंने खासकर बोला है कि जो कैंडिडेट जिनका डिप्लोमा नहीं हुआ है, बीटेक नहीं हुआ है, आईटीआई नहीं हुआ है, मींस जो वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, कृपया वो फॉर्म ना भरें। अगर आप फॉर्म भर देंगे तो आपका फॉर्म हो जाएगा रिजेक्ट, और कहीं ना कहीं आपका जो फॉर्म फी है, जो कि 500 में 400 आपको रिफंड मिलने वाला है, 250 में 250 मिलने वाला है, वो आपको नहीं मिलेगा, और आपको कभी हताशा और निराशा होगी। तो इसलिए जरूर से जरूर इन्होंने अंडरलाइन किया हुआ है, तो आप बिल्कुल मत भरिएगा चाहे कुछ भी हो जाए। बात करते हैं मेडिकल फिटनेस की, तो मेडिकल फिटनेस बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि ये मैंने खुद करवाया हुआ है। 2018 बैच जब आया था, तो उसमें मैं जब पढ़ाया था, मेरे कई सारे स्टूडेंट्स जो थे वो आरआरबी प्रयागराज से, उन्होंने भाई मेडिकल उनका था, तो मैं जाता था मेडिकल उनका जो भी था, उससे पहले भी जो बात करूँ मैं आपका 14 वाला जो बैच था उसमें भी, जो उनका भी 18 में हुआ था मेडिकल भी, 2-3 साल उनका ज्वाइनिंग का डिले हो गया था, 4 साल आपका। तो खासकर जिसकी आंखों में दिक्कत है, यानी कि अगर आपकी आंखों में सच में प्रॉब्लम है, यानी कि आप चश्मा उतार नहीं सकते हैं, यानी चश्मा लगा हुआ है तो लगा ही रहेगा हमेशा, ऐसा आपको लगता है, और खासकर लेजिक अगर आपका सर्जरी वगैरह कुछ हो रखा है, तो फॉर्म मत भरिएगा। क्योंकि मैंने खुद देखा था, एक बच्चा था वो उसके उसको कलर ब्लाइंडनेस थी, डॉक्टर के उनकी दादी वहाँ आई थी, डॉक्टर के उन्होंने पैर तक पकड़ लिए थे, लेकिन डॉक्टर साहब भी मजबूर थे, क्या कर सकते थे वो, क्योंकि ये जॉब ही ऐसी है कि इसमें ही सब आंखों का पूरा है। हाँ, जॉब लगने के बाद अगर कोई दिक्कत होती है तो फिर बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपको भाई, फिर उसमें क्या कहते हैं आपका नर्सिंग में या मेडिकल में कहीं ना कहीं आप वो शिफ्ट कर देते हैं आपको। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि भाई आपका अगर आंखों में कोई दिक्कत है तो प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। हाँ, अगर कुछ ऐसा है कि चश्मा आपको लगा हुआ है वो हट सकता है, यानी डॉक्टर को दिखा दीजिएगा जरूर, एक बार आप डॉक्टर को जरूर दिखा दीजिएगा आंखों को अपने, उसके बाद ही फॉर्म भरिएगा, कि आंखों से कंप्रोमाइज़ यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। बाकी जो भी मेडिकल का रहेगा वो अलग से हम लोग प्लान करेंगे, आपको बताया जाएगा। बाकी और भी जो ऑलरेडी एएलपी में हैं, यूट्यूब की इस एरा में कई लोग इतने अच्छे हैं कि भाई वो आपको गाइड कर रहे हैं, तो खासकर ध्यान रखिएगा जहाँ से भी आप गाइडेंस ले रहे हैं वो ऑथेंटिक होना चाहिए, ऑथेंटिकेशन बहुत ज़रूरी है,
ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर कि भाई जो आपका ये जो आपका फॉर्म है ये आप एक जगह से भर सकते हैं, और मेडिकल आपको बता दिया मैंने मेडिकल में क्या होने वाला है आपका। चलिए बात करते हैं आपका, बाकी जो एज आपका है वो 30 ईयर दिया हुआ है, उम्मीद करते हैं कि वो एज बढ़ा दें, शायद 33 या 32 कर देंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका एक दिन, दो दिन से, 10 दिन से, 1 महीने से, 10 महीने से रुका हुआ है, उनका हो जाएगा। तो थोड़ा सा उनका भी ध्यान रखिएगा आप लोग कि भाई एज इलेक्शन का भी मुद्दा उठना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं एक उम्मीद होती है, वो उम्मीद टूट जाती है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। हाँ आइए बात करते हैं आगे फिर, बाकी तो ये आपका जो भी ऑलरेडी जो ज्वाइंट जॉब में है उनके लिए ये सब एज दे रखी है, आप इनको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। बात करते हैं आपका जो एग्जामिनेशन फी है वो आपका 500 रुपये है, आपका 400 हो जाएगा रिफंड, आपका 250 रुपये है, 250 पूरा हो जाएगा रिफंड अगर आप इस CBT1 पे अपीयर होते हैं। याद रखिए अगर आपका एरर है फॉर्म में, इनकम्प्लीट है, रिजेक्टेड एप्लीकेशन आपका है, तो आपका फीस वापस नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। एक बात और है कि भैया फिर से वही दोज अवेटिंग रिजल्ट देयर फाइनल एग्जामिनेशन, अगर आपका फाइनल एग्जामिनेशन का अगर आप रिजल्ट वेट कर रहे हैं तो कृपया आप बिल्कुल भी फॉर्म मत भरिएगा, ठीक है। अब आते ही बात करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। CBT1 होगा, CBT2 होगा, CBAT होगा, DV होगा, मेडिकल होगा। CBT1 जो का है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो क्वालिफाइंग का है तो आप उसको हल्के में लीजिएगा, खासकर जिसका टेक्निकल बहुत अच्छा है, भैया मेरे ध्यान रखना CBT1 को बहुत अच्छे से शुरू कर दीजिए। और मैंने पहले भी कहा था कि CBT1, मैं आज से नहीं, मैं जब से पढ़ा रहा हूँ तब से मैंने कहा है टेक्निकल वाले स्टूडेंट्स को, जबकि मैं टेक्निकल टीचर हूँ लेकिन मैं बोलता हूँ स्टूडेंट्स को कि भाई नॉन टेक को जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि नॉन टेक की वैकेंसी आपको मिलती रहती है, कहीं ना कहीं आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और आपका एक जोश मेंटेन रहता है। टेक्निकल एक बार आपने पढ़ लिया उसके नोट्स पर रिवाइज करते रहिए, मोर देन इनफ है, क्योंकि भाई टेक्निकल भी इतना आसान नहीं होता है, आपको एक बार दिमाग में रखना पड़ता है ताकि आपको चीज़ें एकदम क्लियर रहें। लेकिन नॉन टेक में आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, इसलिए मैं नॉन टेक को जरूर बोलता हूँ कि पढ़ते रहिए, क्योंकि जॉब इंपॉर्टेंट है, जॉब कैसी भी हो, कोई भी हो, जॉब सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जॉब नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं मैं उस चीज़ को देख चुका हूँ, कई स्टूडेंट्स से मेरी बात होती है, वार्तालाप होती है, उनसे चीज़ चर्चा होती है, तो ये चीज़ मैंने देखी हुई है। तो CBT1 का बहुत अच्छे से करना है फोकस, CBT2 में आपका जो रहेगा, CBT1 से 15 गुना बच्चे जाएंगे CBT2 में, उसके बाद 8 गुना जाएंगे CBAT में, जो सीट आपकी दी रहेंगी अलग अलग उसमें आपका, ठीक है। तो इसलिए CBT1 हो जाता है इंपॉर्टेंट। CBT1 का जो आपका है वो 60 मिनट का एक घंटे पेपर आपका है, 75 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, UR को लाना पड़ेगा 40%, OBC को लाना पड़ेगा 30%, ये मिनिमम है, यानी कि इतने पे खुश मत हो जाइएगा, ये मिनिमम है, अगर इससे कमाएंगे तो वैसे ही आप बाहर हो जाओगे, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई, 30 नंबर आपको लाने ही पड़ेंगे, ये मजबूरी है, उसके ऊपर आपको लाना पड़ेगा ताकि मजा आएगा को। चलिए आगे बात करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिर्फ क्वालिफाइंग है, ओनली क्वालिफाइंग है, ज़्यादा आपको इसमें डिटेल नहीं जाना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ पेपर पूरा करके आना है, ये नहीं कि आप थोड़ा करके छोड़ दिया आपने। मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस। CBT1 में अगर बात करूँ मैं, तो CBT1 में मैं आपको साइंस में हेल्प कर सकता हूँ, और जो मैं करूँगा यूट्यूब पर पूरी क्लास आपकी होगी, यूट्यूब पर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए प्रॉपर प्लान किया जाएगा, मैं और आपकी मैम जो मेरी वाइफ हैं वो भी इस बार पूरा सपोर्ट करेंगे आप लोग के लिए, अरबी के लिए, ताकि आप लोग आराम से जॉब ले सकें। तो साइंस वाला जो पोर्शन है पार्ट वन का, वो यूट्यूब पे आपका होगा, कोई पेड कुछ नहीं है इसका, सिर्फ यूट्यूब पे होगा, यूट्यूब पे हम प्रॉपर इससे क्लास करेंगे अच्छे से, ताकि आपका साइंस वाला पोर्शन अच्छे से हो जाए। बाकी मैथ, मेंटल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस आप अपने एंड पे कर सकते हैं, बहुत सारी फैकल्टी आपको पढ़ा रही हैं और आप पढ़ भी रहोगे, और आपका जो रहा होगा बहुत बेहतरीन आपने कर रखा है उस चीज़ को, ठीक है। सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस अकॉर्डिंग पढ़ना है, फर्जी कुछ नहीं पढ़ना है। बात करते हैं आगे Stage 2 की, बात करते हैं Stage 2 आपका जो रहेगा उसमें आपका CBT2 है, 15 टाइम्स जो स्टूडेंट्स आपके हैं वो वहाँ पे क्वालिफाई करेंगे। Stage 2 आपका जो रहेगा वो पार्ट ए पार्ट बी नाम से रहेगा, अगेन 2 घंटे 30 मिनट का पेपर आपका होगा, एक साथ ही होगा, और टोटल आपके 175 क्वेश्चन रहेंगे, 90 मिनट आपका रहेगा 100 क्वेश्चन, 60 मिनट रहेगा 75 क्वेश्चन। 90 में जो 100 क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं ये है आपका मेरिट डिसाइड करेगा, ये आपका करेगा डिसाइड मेरिट, और ये है क्वालिफाइंग दोस्त मेरे। और मजे की बात जानते हैं, क्वालिफाइंग जो ये है और ये सब के लिए है, यानी कि पार्ट ए जो आपका है ये क्या होगा आपका फर्दर स्टेज के लिए देखा जाएगा, पार्ट ए आपका ये CBAT के लिए, यानी कि आपका जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं आप साइको टेस्ट, जिसको बोलते हैं साइको टेस्ट आपका। जो पार्ट बी है याद रखिए 35% सब के लिए है, जनरल SC ST OBC सब के लिए आपको ये लाना ही लाना है, यानी 75 में से अगर 35% समझ रहे हैं आप, यानी कि 27-28 का तो टारगेट हमारा ये रहेगा कि 75 में से आराम से जो मैं पढ़ाऊंगा आपको कुछ नहीं करना है, बस उतना ही पढ़ लेंगे तो आपको 50 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे।
आपको बस क्वालिफाइंग करना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपका फोकस कहाँ होना चाहिए, ये 90 वाले में, 100 वाले क्वेश्चन में, इसमें आपका फोकस होना चाहिए पार्ट ए वाले में, पार्ट बी में बस आपको क्वालिफाई करना है। जितना मैं करा दूंगा उतना आप कर लोगे, उससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है करने की, आपके आराम से 50 नंबर आ जाएंगे। 50 नंबर आ जाएंगे तो भी क्या यार, अपने को तो 27 ही लाना है। मैं 27 नहीं, मैं 50 60 लेके चल रहा हूँ। इवन आपका अच्छे से पढ़ने 70 आपके आ जाएंगे भाई, वो दिक्कत नहीं है, लेकिन वो किसी काम का नहीं है। तो इसलिए इसको वैसे ही पढ़ेंगे जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए, और आप आराम से उड़ा दीजिए। बाकी 100 नंबर में जो आपका है, इसमें हम क्या आपकी हेल्प करेंगे, आइए हम चर्चा करते हैं इसके बारे में भी। देखिए मैथ और जनरल, आपने ये ऑलरेडी स्टेज वन क्लियर किया है, तो जाहिर सी बात है कि मैथ और जनरल इंटेलिजेंस आपका बहुत जबरदस्त हो गया होगा। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में मैं आपकी पूरी हेल्प करने वाला हूँ, यानी कि जो मेरा पूरा मादा रहेगा वो कितना रहेगा कि भैया जो आपका ये 90 में से 100 क्वेश्चन आपके जो हैं, इसमें आपका जो ये बेसिक साइंस और आपका जनरल वाला पार्ट आपका रहता है, इसमें आपका समझ लीजिए 30 से 40 क्वेश्चन आपको मिलेंगे कम से कम, इससे कम नहीं मिलते हैं। और इसका मैं पूरा प्रीवियस ईयर आपको कराऊंगा, प्रीवियस ईयर में जो आपका आया हुआ था मैं आपको अच्छे से कराने वाला हूँ, और डिटेल में इसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ये आपका YouTube पे भी होगा, आपका पेड पे भी होगा आपका, तो पेड में और YouTube पे, यानी कि जो मैं कराने वाला हूँ, क्या कराने वाला हूँ, स्टेज वन का साइंस वाला पोर्शन आपका जो है उसमें हम करेंगे, और स्टेज टू का जो आपका जनरल साइंस या आपका जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है और आपका जो पार्ट बी है वो हम करने वाले हैं। अच्छा, एक बात और यहाँ पे है कि जो डी वाला पार्ट यहाँ पे आपका, जैसे अभी GDC वैकेंसी आई थी और 2018 वैकेंसी जो आपकी आई थी, यहाँ पे करंट अफेयर्स वगैरह यहाँ पे पहले था, यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो पता नहीं क्यों मेंशन नहीं है, होपफुली इस बार ना दे वो, ये भी हो सकता है। तो बाकी वो पूरा फोकस कर रहे हैं कि भाई आपका जो मेंटल लेवल है, आपका जो टेक्निकल लेवल है वो चेक करने के लिए उस तरह उन्होंने ऐसा किया, और बाकी देखते हैं, लेट्स सी क्या होने वाला है। तो ये आपका पार्ट है आपका, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं जो आपका टेक्निकल पार्ट आपका है, सबसे बड़ी दिक्कत वही है कि सर सिलेबस क्या रहने वाला है। तो DGT.gov.in आपको पता ही है कि मैं प्रॉपरली ऑथेंटिकेशन के साथ ही मैं बातें करता हूँ, और ये चीज़ें पता है आपको। तो मैंने प्रॉपरली DGT का मैंने ऑलरेडी 18 मैंने पढ़ाया हुआ है, फिर मैंने GDC वालों को पढ़ाया हुआ है, तो मैंने इसका प्रॉपरली पूरा खाका बना रखा है कि भाई कैसे ये सिलेबस होने वाला है। बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, भाई कौन कौन से फॉर्म आपको कैसे फिल कर सकते हैं। देखिए, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से हैं तो आपको ब्रांच कौन सी चूज करनी है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। कई लोग कन्फ्यूज है इसमें, कई लोगों ने मुझे मैसेज भी किया कि सर ये कैसे, ये समझ नहीं आ रहा मेरे को। यहाँ है क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट। मान लो आपकी जो ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है, आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के अलाइड और भी होते हैं वो सभी हैं, तो आप कौन सी ब्रांच चूज करेंगे वो दिक्कत वाली बात है। क्योंकि जो ITI ट्रेड आपका होता है उसमें इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो, आपका फिटर हो गया, मैकेनिक हो गया, ट्रैक्टर, ये सब टाइप के नाम से ट्रेड होते हैं, फिटर हो गया, कोपा हो गया, कई सारे होते हैं आपके। तो उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और मैकेनिक रेडियो TV आपको चूज करना है, यानी कि इन दोनों में से आप चूज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। पेपर जो आपका आएगा इन्हीं में से आएगा। अब इस पे इन दोनों में अगर मैं मिलान करूं तो बहुत हल्का फुल्का माइनर क्या मतलब होता ही नहीं है, थोड़ा बहुत रहता है आपका, तो आप चूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी तैयारी मैं आपको कराने ही वाला हूं, क्यों परेशान हो आप, तो इसलिए आराम से आप चूज करो, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक बेस्ट रहेगा आपका, ठीक है। बाकी ये ट्रेड होती है, ये ट्रेड होती है, इस ट्रेड को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले हैं वो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक भी यूज कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। अब इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक हो गया जो है ना, एक्चुअली देखा जाए तो वो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के ही अंदर आता है आपका, यानी कि उसका भी एक पार्ट होता है, तो आप चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ, ठीक है, कई बच्चे डिमांड कर रहे हैं इलेक्ट्रीशियन के लिए भी, तो इलेक्ट्रीशियन में भी वही बात कहानी सेम आपका, भाई बेसिक साइंस तो सबके लिए कॉमन ही रहेगा, वो कौन सा चेंज होने वाला है। बाकी जो टेक्निकल पार्ट आपका रहेगा वो तो आपको बस क्वालिफाई करना है, सिर्फ क्वालिफाई करना है, यानी आपको 75 में से 40-45 नंबर आराम से ले आओगे आप यार, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं सिलेबस क्या होने वाला है। अगेन वही सेम कहानी, जो आपका बेसिक साइंस इंजीनियरिंग है ये कई पार्ट्स में डिवाइड है। पहला आपका जो है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग है, जिसमें आपका प्रोजेक्शन हो गया, वीव हो गया, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट हो गया, लाइन, ज्योमेट्रिक फिगर, आपका सिंबॉलिक, आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया, यूनिट मेजरमेंट, मास, वेट, डेंसिटी, वर्क पावर, एनर्जी, स्पीड, वेलोसिटी, हीट, टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, लीवर एंड सिंपल मैकेनिक्स, अगर बात की जाए तो मशीन आपका, यानी यहाँ पे जो साइंस आपका है ये अच्छे खासे लेवल से पूछा जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ एक लेवल वो मेंटेन करेंगे, खासकर उन्होंने साफ साफ मेंशन किया हुआ है चीज़ों को, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने पड़ी है। तो इसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, जैसे कि आपका पहला जो है ड्राइंग हो गया, फिर आपका फिजिक्स बोल देंगे आप इसको, क्या बोल देंगे, फिजिक्स। तो फिजिक्स में आपका ये पार्ट पूरा कवर हो जाएगा अच्छे से। इसका फिर एक और वीडियो आएगा, डोंट वरी, जब मैं आपका जो कोर्स है वो मैं 5 फरवरी से मैं लॉन्च कर रहा हूँ, 5 फरवरी से, ठीक है,
यूट्यूब पे आपका 31 से ही स्टार्ट हो जाएगा, स्टूडियो सेटअप होते ही स्टार्ट हो जाएगा, स्टूडियो भी चल रहा है काम, जैसे ये हो जाएगा आपका यूट्यूब पे स्टार्ट हो जाएगा बिना दिक्कत के। बाकी जो पेड बैच आपका है वो 5 तारीख से आपका 5 फरवरी से स्टार्ट होगा। मैं टाइम इसलिए लिया है क्योंकि अभी आपका स्टेज वन है, तो आप थोड़ा सा उस पर फोकस हो जाइए, फिर आपका धीरे धीरे डेली क्लास होते रहेंगी थोड़ी थोड़ी, तो आपको दोनों में फायदा हो जाएगा। आपका स्टेज वन तो रहता रहता है, स्टेज टू आपका, तो ये वीडियो आती रहेंगी, डोंट वरी, आपका वीडियो फिर से आएगा जहां पे हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि भाई पेड में कैसे कैसे क्लास होने वाली है, क्या होने वाला है, किधर होने वाला है, सब कुछ हम बात करेंगे, ठीक है। और उसका लिंक जो रहेगा आपको कमेंट सेक्शन मिल जाएगा। अभी आपकी तारीख आज है 25, सोचता है कि आप देखें इसको एक महीने बाद, 10 दिन बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, हो सकता है कि आप स्टेज वन का रिजल्ट आने के बाद देख रहे हो इसको, ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि भाई बहुत सारे स्टूडेंट देखते रहते हैं और ऑनलाइन की दुनिया है, कौन जान रहा है कौन सी वीडियो आप देख रहे हैं। तो इसलिए इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, जो बैच का लिंक रहेगा, जिससे आपको कोई दिक्कत ना आने पाए, ठीक है। आइए वापस आते हैं यहाँ पर। तो ये ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ आपका जो है, ये तो आपका आईटीआई में आप पढ़ते हो, इसको तो आप आईटीआई की जो पहला सेमेस्टर होता है वहां भी आप इसको पढ़ते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी इन्वायरमेंट हो गया, आईटी लिटरेसी हो गया, तो इसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लूंगा। एक तो आपका बेसिक, आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, आपका एक फिजिक्स हो गया, और आपका एक इन्वायरमेंट हो गया, और आपका आईटी लिटरेसी जो आपका रहता है ना वो कंप्यूटर में ही आ जाता है, तो कंप्यूटर नाम से ले लूंगा या उसी को भी किसी में ऐड कर दूंगा। मैंने क्या कहा आपको, इसका पूरा एक वीडियो आ जाएगा, निश्चिंत रहो आप उसके लिए, ये पूरा हम कवर करेंगे अच्छे से। बाकी जो आपका सिलेबस पार्ट भी है, उसमें बोला डीजीटी में, अब वहाँ जाएंगे तो आप भाई मेरे तोते उड़ गए थे पहले 18 वाले में, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे साफ साफ लिखा रहेगा कुछ इस प्रकार से, आपके 4 मॉड्यूल होते हैं, ये 4 है आपके, ठीक है, 4। अब 4 में इन्होंने अजीब नाम से दिया हुआ, देखो बेसिक वर्कशॉप दिया है, बेसिक एसी केबल हो गया आपका, सिंगल रेंज मीटर हो गया, सेल बैटरी हो गया, एसी डीसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया, सोल्डरिंग, एक्टिव पैसिव कंपोनेंट, पावर सप्लाई, कंप्यूटर हार्डवेयर, ओएस वगैरह आपका हो गया, रेगुलेटर हो गया आपका, ट्रांजिस्टर हो गया, ट्रांजिस्टर, अब देखो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर पहले आप ट्रांजिस्टर पढ़ते हैं फिर एम्पलीफायर पढ़ते हैं, तो पहले उन्होंने बता दिया एम्पलीफायर, फिर बता दिया ट्रांजिस्टर, फिर बता रहे हैं वेव शेपिंग सर्किट, मतलब कुछ अलग ही चल रहा है इनका लेवल। भाई देखो सिंपल सी बात है, जब आप ABCD नहीं पढ़ोगे तो आगे आपको कैसे आएगा। मैं सीधे आपको क्लास वन में ही बता दूं कि शेक्सपियर की बुक लेके आगे बच्चों को पढ़ा दो इंग्लिश में, तो ये उन्होंने इस तरीके से बता रखा है, और उन्होंने बोला कि भाई ऐसे आप पढ़ लो। लेकिन तरीका हमारा क्या होता है कि हम आपको एकदम बहुत अच्छे ढंग से बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा, डिटेल में अच्छे से, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत आराम से, बहुत प्यार से। ये सभी टॉपिक जो होते हैं ये होते हैं ADC एनालॉग के, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सर्किट के आपके। अब ट्रांजिस्टर पढ़ने से पहले आपको बताना चाहिए भाई पी टाइप क्या होता है, एन टाइप, ट्रांजिस्टर बनता कैसे है, भाई पी टाइप क्या होता है, एन टाइप क्या होता है, ये सब बातें आपको बतानी चाहिए। जब वही नहीं पता रहेगा तो कैसे काम चलेगा। तो यहाँ पर जो कहानी आपकी है ना, ये पावर सप्लाई सर्किट दिया हुआ है, देखो ये तो मैंने ये पूरी डिटेल में समझा हुआ है, मैंने पूरी बुक पढ़ी हुई भाई इसकी, ऐसा नहीं कि मैं आपको ऐसे ही हम बात कर रहा हूँ, यहाँ पे सब दिया हुआ है दोस्तों। आपका पावर सप्लाई सर्किट जानते क्या होता है, जो आपका चार्जर होता है इसमें आपका क्या होता है, पहले तो लगा होता है ट्रांसफार्मर, फिर लगता है रेक्टिफायर, फिर लगता है आपका क्या रेगुलेटर, फिर आपका लगता है फिल्टर ना, फिर आपका लगता है क्या भाई आपका स्मूथिंग सर्किट आपका लगा रहता है। तो वहां पे आपको ये इन्होंने पढ़ा रखा है भाई पी टाइप क्या होता है, एन टाइप क्या होता है, कैसे ये बनता है, बहुत डिटेल में पढ़ाया उन्होंने। फिर सीधे वो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, फिर ट्रांजिस्टर, फिर वेव शेपिंग सर्किट, ये आपका डायोड का एप्लीकेशन है, यानी कि वेव कैसे आप शेप करते हैं, किस तरीके से आप उसको बना सकते हैं, ठीक है भाई, उसका कैसा वेव का नेचर रहेगा, कैसा स्वभाव रहेगा, तो उसमें क्लीपर क्लैंपर आप पढ़ते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें आप देखते हैं। अच्छा एक बात और है, जो आपका बैच रहेगा शुद्ध हिंदी अगर आपको, यानी कि अगर आपको इंग्लिश में तनिक भी दिक्कत है, क्योंकि देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, हिंदी से मैंने खुद 12th किया है, हिंदी मेरे लिए ऐसा नहीं कि मैं किसी का अपमान कर रहा हूँ या कुछ ऐसा है, लेकिन मजबूरी ये है कि टेक्निकल 8-10 साल हो गया पढ़ाते पढ़ाते, और टेक्निकल हमने इंग्लिश में ही पढ़ा हुआ है, तो मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि आपको हिंदी में समझाया जाए। लेकिन अगर आप शुद्ध हिंदी की डिमांड कर रहे हैं कि शुद्ध हिंदी आपको मिल जाए, एकदम प्योर हिंदी, जैसे कि अगर मैं बात करूं आपसे कि अगर आप समझते हैं रेक्टिफायर, जानते क्या होता है रेक्टिफायर, दिष्टकारी बोलते हैं आप उसको, सॉरी रिजकारी बोल देते हैं, दिष्टकारी बोल देते हैं आप, ठीक है, तो आप समझ रहे हैं आप, दिष्टकारी रेक्टिफायर, ACDC जो दिष्टकारी, जानते क्या होता है DC होता है, रेक्टिफायर क्या होता है, रिजकारी होता है, तो ये वर्ड ही थोड़ा आपको अजीब लगते हैं, लेकिन मैंने बताया रेक्टिफायर यानी रेक्टिफाई करना, कट करना, सही करना, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ शुद्ध हिंदी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बाकी मैं इसका डेमो दूंगा, निश्चिंत रहो आप उसके लिए, डेमो क्लास भी आपकी आएंगी बहुत अच्छे से डिटेल में आएंगी, और आप उसको देख के ही फैसला कीजिएगा, जबरदस्ती आपको नहीं लेना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, और किसको पेड लेना है किसको नहीं लेना है इसका भी वीडियो आएगा दोस्त, ऐसा बिल्कुल नहीं कि आपको पेड लेना ही लेना है, बात समझ नहीं समझ आई, और कैसे करना है कैसे नहीं करना सब बात चर्चा होगी, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, यहाँ पे देखो बेसिक गेट आपका, देखो ये आपका डिजिटल आ गया, फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स गेट आपका, काउंटर रजिस्टर आपका डिजिटल का आ गया, फिर देखो यहाँ पे लिखा है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जबकि एक पूरी बुक होती है, यहाँ उन्होंने लेक्शन नाम दिया हुआ है, इसमें आप पढ़ते हैं क्या
आप पढ़ते हैं एसी टू डीसी कन्वर्टर, आपका एनालॉग डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग पढ़ते हैं आप, मतलब पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। एसएमडी आपका देखो सरफेस माउंटेड डिवाइस आपके होते हैं, बुनियादी आपका देखो यहाँ, ठीक है। अब देखो ट्रांजिस्टर आपका इंग्लिश में नहीं, उन्होंने हिंदी में भी लिखा हुआ है। फाइबर ऑप्टिक एक बार आपका, डिजिटल पैनल आपका, एसएमपीएस इन्वर्टर आपका, यूपीएस, ये सब पूरा आपका। तो ये चार सेमेस्टर का पेपर आपका है, चार सेमेस्टर आपका, पहला सेमेस्टर ये हो गया, सेकंड सेमेस्टर ये हो गया, थर्ड ये हो गया, फोर्थ ये हो गया। ऐसे हम इलेक्ट्रीशियन के लिए प्लान करेंगे, डोंट वरी। टेक्निकल के लिए कई बच्चे डिमांड कर रहे हैं, तो इसलिए मैं प्लान करूंगा, उसके लिए भी आप परेशान मत होइए, बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, एकदम हताश निराश मत होइए बिल्कुल भी। पहले भी जो इंपॉर्टेंट है पार्ट वन, और साथ में आपका टेक्निकल जो है वो भी स्टार्ट कर देंगे जल्दी ही। बात करते हैं 19 में जो आपका पेपर हुआ था, 21 जनवरी में फर्स्ट एंड सेकंड सेट दो में हुआ था। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट की बात करूं तो 18 27 नंबर ऐसे आपके आए थे। एसएमडी आपका उससे दो दो क्वेश्चन आए थे, डिजिटल से आपके 17 5 क्वेश्चन आपके आए थे, माइक्रोप्रोसेसर से भी क्वेश्चन आपको मिले थे, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट से भी क्वेश्चन आपको मिले थे, बेसिक इलेक्ट्रिकल से भी मिले थे। अब ये 5-6 टॉपिक मैंने दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 आपका, ये पूरा सिलेबस हम अच्छे से कवरअप करेंगे जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आने पाए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो टारगेट बैच रहेगा एएलपी का। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं आपको हर एग्जाम के लिए, तो उसके लिए अलग से आपका एक कोर्स है, आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक मास्टर कोर्स, ठीक है। बाकी ये जो बैच रहेगा टोटली टारगेट बैच रहेगा। मैं बिल्कुल भी आपके माइंड को डाइवर्ट नहीं करना चाहता कि आपका माइंड भटक जाए कहीं, क्योंकि ये आपकी ड्रीम जॉब होने वाली है। तो इसलिए मैंने चाहता कि यहाँ पे मैं किसी और एग्जाम को डालूं, बिल्कुल नहीं। टारगेट पूरा फोकस रहेगा, टारगेट रहेगा पूरा का पूरा एएलपी को लेके, बाकी कुछ भी फर्जी नहीं। ओके, लाइव रिकॉर्डेड सब मिलेगा आपको। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसका एक वीडियो अलग से और आने वाला है। मान चलिए आपको जल्दी 31 या 30 को मिल जाएगा जनवरी को आपको, तो उसका अलग से वीडियो प्रॉपर प्लान करेंगे कैसे कैसे क्या होने वाला है। बाकी मैंने यहाँ आपको ऑलमोस्ट सब कुछ बता दिया है, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा भाई कि हाँ ऐसे से ये प्लान होने वाला है। तो इस हिसाब से हम पूरा प्लान करने वाले हैं, ठीक है। बाकी क्यूटेक रनेश पांडे ये ऐप है, इसको आप अभी इंस्टॉल कर लीजिएगा जरूर से जरूर, ठीक है। पेड कोर्स में जाएंगे तो वहां पे आपको मिलेगा आरआरबी एएलपी 2024 बैच, ठीक है, उस नाम से आपको बैच मिल जाएगा। अभी बैच नहीं बना है, आज 25 जनवरी है। मैं नहीं चाहता कि अभी आपका माइंड डाइवर्ट पार्ट टू या कहीं और भी हो। पहले हमारा फोकस क्या है कि जो एएलपी की वैकेंसी है वो इंक्रीज हो जाए। फिर फोकस हमारा क्या है कि भाई हम 5 तारीख से 5 फरवरी से एकदम फ्रेश एकदम स्टार्ट करें बढ़िया से, ताकि आप भी एकदम रिलैक्स होकर, नॉनटेक आपका अच्छे से हो चुका रहेगा और बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे अपन लोग, ठीक है। तो आराम से यहाँ पर आप पेड कोर्स में आपको मिल जाएगा। आप अभी मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इसका आज 25 तारीख है ना, अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं 5 तारीख के बाद, आप देख रहे हैं 1-2 तारीख के बाद, 1-2 फरवरी के बाद देख रहे हैं आप, तो आपको वो दिख जाएगा बैच, लेकिन वहाँ पे आपको वीडियोस जो रहेंगी वो आती जाएंगी। लाइव होने के बाद आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। बाकी अगेन वही फिर से बोल रहा हूँ, मैं सब कुछ बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत है, कोर्स रिलेटेड कोई समस्या है, तो आप मुझे यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई समस्या अगर आपको आती तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपके जो भी समस्याएं हैं, जो भी डाउट्स हैं, सब कुछ बताए जाएंगे। और एक बात और है, आपको जैसे पता है यहाँ पे मेरी खुद, यानी कि मेरा पीछे कोई कॉलर नहीं है कि किसी को कॉल करेंगे आप तो उस वो मुझे बताएगा तो मेरी आपसे बात होगी, आपका डायरेक्ट मुझसे बात होगा। कहीं कोई समस्या कोई तकलीफ आती है, मैं आपके साथ अवेलेबल हूँ। हो सकता है कि आपने मैसेज किया, मैंने आपको रिस्पांस तुरंत नहीं किया, क्योंकि भाई क्लासेस रहती हैं, मैं एज अ टीचर, मेरे पास क्लासेस सुबह शाम तक रहती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मैं, जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने मैसेज देखा बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं, तो हो सकता है कि आपका मैसेज चला गया हो नीचे। तो अगर आप वेट कर लीजिएगा, अगर मैंने आपको 5 घंटे या 6 घंटे में मैसेज नहीं किया है तो आप मुझे फिर से दोबारा मैसेज कर दीजिए, सर मैंने आपको मैसेज किया था, इसका रिस्पांस दे दीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर आप मेरे साइड में खड़े रहेंगे तो आपको इस चीज़ का एहसास होगा कि आप जैसे बच्चे जो हमारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे मुझे फॉलो करते हैं, और सभी एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई सर को मैंने मैसेज किया तुरंत मिल जाए रिस्पांस, रिस्पांस मैं देता हूं। मैं फिर से बोल रहा हूं, यही इसकी ब्यूटी है, यानी कि आपको भटकना नहीं पड़ता कहीं कि कहीं आपको फ़ोन लगाना पड़ेगा, हेल्पलाइन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, नहीं भाई। देखो सिंपल सी बात है, टेक्निकल आप पढ़ रहे हो, कहीं आपको कोई समस्या आ गई तो कौन बताएगा, बैक टीम बताएगी क्या भाई? सिंपल सी बात है, बैक टीम जो बेचारे होते हैं भाई वो तो बस आपको कोर्स के बारे में बताएंगे ना, लेकिन उसके अंदर जो आप पढ़ रहे हैं वो किससे आप पूछोगे? वो जिम्मेदारी मेरी है, तो इसलिए ये पूरा आपको रहता है। बाकी लाइक से सब करते ही करते हैं, और मैं फिर से बोल रहा हूँ यूट्यूब क्लास बहुत धमाकेदार होगी, यूट्यूब भी होगा, पेड भी होगा, सब कुछ होगा। बस जो आपने सपोर्ट दिखाया, जो आपने प्यार दिखाया, इसी सपोर्ट प्यार को बना रखिएगा। और क्लासेस भाई मैंने आपसे कहा ना कि जो नहीं हुई के इस कारण से भाई, क्योंकि बोर्ड का सिस्टम बहुत सारी चीज़ें थी इसलिए। और अगेन ये अच्छा मौका है, इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना है, जम के मेहनत करनी है, जो भी हो सकता है अपनी तरफ से हम पूरी प्रयास करेंगे। आई विल ट्राई टू माई बेस्ट, बस जितना हो सके आप इसको करते ही करते हैं, लेकिन जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका वेट करते हैं।
और बड़ी इच्छा उनको होती है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। और अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसका डिटेल्ड वीडियो आएगा पेड बैच का यूट्यूब पे, कैसे क्लास होने वाली हैं, क्लासेस के बारे में। अभी तो मैंने बताया आपको भाई सब कुछ बता दिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये सब बता दिया मैंने आपको, पैटर्न बता दिया मैंने आपको, सब बता दिया। अभी इसका पूरा एक अलग से वीडियो आएगा क्लासेस के बारे में, क्लास कैसे कैसे होने वाली है, और आपसे मुलाकात होती रहेगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि मुलाकात नहीं होती रहेगी, होती रहेगी और डेली बेसिस पे होती रहेगी। इसलिए मैंने आपसे कहा ना कि थोड़ा सा बस 4-5 दिन वेट कर लीजिए, 30 तारीख से आपका यूट्यूब पे, फिर उसके बाद पेड भी स्टार्ट हो जाएगा, जो भी जैसा रहेगा। ये आपका टेलीग्राम चैनल है, इसको आप जरूर जुड़ जाइएगा, रत्न स्क्यूटेक नाम से है, वहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं, जो भी जैसी भी रहती हैं। चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे। बाकी मैंने इसका प्रीवाईक्यू करा रखा है, उसको आप देख लीजिएगा, अगर नहीं मिला आपको तो मैं फिर से आपको करा दूंगा, फिर से दोबारा लाइव क्लास लेके अच्छे से, ठीक है। चलिए जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखिए अपना, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जो भी है जैसा भी होगा अच्छा होगा, बेटर होगा, वैकेंसी इंक्रीज होगी, निश्चिंत रहिए उसके लिए आप। बाय बाय, ध्यान रखिए अपना, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।